हमारा घर पूरी तरह से इस बारिश की जद में आ गया है। अगर मजीद हम इस घर में रहे तो हमारी जान भी जा सकती है। सावन का मौसम था। हेड तौसा बैराज के करीब लाशारी वाले जंगल और आसपास के इलाकों में बहुत बारिशें हुई। लाशारी वाले जंगल में दो गरीब चिड़िया रहती थी और दोनों चिड़िया आपस में माँ और बेटी थी। माँ चिड़िया का नाम टोनी चिड़िया था और उसकी बेटी का नाम टोंटोनी चिड़िया था। एक मरतबा एक हफ्ते से लगातार बारिशें हो रही थी, जिसके कारण टोनी चिड़िया के घर में पानी आने लगता है। टोनी चिड़िया का घर बहुत कमज़ोर था। वो दोनों माँ और बेटी परेशान होकर एक दूसरे से कहती हैं, हमारा घर पूरी तरह से इस बारिश की लत में आ गया है। अगर मजीद हम इस घर में रहे तो हमारी जान भी जा सकती है। अब माँ आप सोचो कहाँ जाएंगे। बेटी तुम कह तो सही रही हो, मुझे भी लग रहा है कि हमारा घर जल्द ही गिर कर टूट जाएगा। अब हम मजीद इस घर में नहीं रह सकती, हमें कहीं ना कहीं तो जाना होगा। जल्दी करो बाहर निकलो। ये कहकर माँ और बेटी फौरन उस घर से बाहर निकलती हैं। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक उनका घर गिर कर टूट जाता है। अपने घर को टूटा देखकर टोंटोनी रोने लग जाती है। बेटी अल्लाह गफूर रहीम है, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो जाएगा। वो अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये मामूली सी मुसीबतें तो हमारी सब्र का इम्तिहान होती हैं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। माँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो गया है और हल्का सा बुखार भी लग रहा है। बेटी हम लोग अगर मजीद इस बारिश में भीगते रहे तो ज़रूर बीमार हो जाएंगे। चलो साथ ही बबली कबूतरी का घर है, हम लोग वहाँ जाकर आज की रात गुजार लेते हैं। फिर कल सुबह होते ही हम किसी गुफा में जाकर अपना घर बनाएंगे। माँ ये बात आपकी ठीक है, गुफा में हमें बारिश का खतरा भी नहीं होगा। ये कहकर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी बबली कबूतरी के घर जाती हैं और दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं। बबली बहन तुम्हें पता है कि हमारे घर का कोई मर्द नहीं और हम चिड़ियाँ इस लशारी वाले जंगल में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। हाँ तो है, कड़कनाथ सेठ जी सो रहे हैं, सुबह आना। इस बारिश में भीख मांगने रात के इस पहराई हो, कुछ तो शर्म करो। खा वखा में इस वक्त में हमें परेशान किया। बबली बहन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भीख नहीं मांगी। टुनटुनी बहुत छोटी थी जब उसके अबू की वफात हुई थी। इस वक्त से लेकर आज तक मैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती आई हूँ। मैं आपसे भीख मांगने नहीं आई। ओह मैं समझी कि आप भीख मांगने आई हो, खुद ही बता दो आप क्या करने आई हो। बबली तुम्हें पता है कि एक हफ्ता से लगातार बारिशें हो रही हैं। हमारा घर बहुत कमज़ोर था, वो इन बारिशों की ताब ना ला सका और वो घी का टूट गया। मैं और मेरी बेटी आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आपके घर में एक रात गुजार सकें। आप हमें अपने घर ये रात गुजारने दें, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर बबली कबूतरी को अपने खावंद कड़कनाथ सेठ की बात याद आ जाती है। ये लो बबली, इस बैग में पैसे हैं, घर में कहीं संभाल कर रख दो। आज बैंक बंद थे सरकारी छुट्टी होने के कारण, मैं इन पैसों को कल बैंक में डलवा दूंगा। हाँ और एक बात ध्यान में रख लो, आज कल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, किसी को इन पैसों के बारे में भनक भी ना पड़ने देना। बबली कहाँ खो गई हो, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, अब अंदर आने दोगी या नहीं? टोनी बहन मैं तुम्हें अपने घर में आज रात नहीं रख सकती, हमारा अपना घर भी बारिश की वजह
से बहुत मुतासर हुआ है। हम भी अल्लाह अल्लाह करके गुजारा कर रहे हैं। मज़ीद इस घर पर बोझ कैसे डाल सकते हैं? आप किसी और से मदद मांग लो। दोनों चिड़िया लशारी वाले जंगल में अपनी जवान बेटी को लिए एक एक के घर गई, लेकिन किसी ने कोनू को अपने घर में एक रात न गुजारने दी। वो मायूस होकर एक घने दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। टोनटुनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ जी मुझे तेज बुखार हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। टोनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टोनटुनी को अपनी गोद में ले लेती है और अल्लाह से फरियाद करती है, ऐ यूसुफ को कुएं से बचाने वाले मेरे रब, ऐ इस्माइल को छुरी से बचाने वाले मेरे रब, ऐ मूसा को फिरौन से बचाने वाले मेरे रब, ऐ इब्राहिम को आग से बचाने वाले मेरे रब, तू हम पर भी रहम फरमा, बेशक तू रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक टोनी चिड़िया की दुआ कबूल करते हैं। इतने में उनके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक खूबसूरत नौजवान अब्दुल नाम का कबूतर उतरता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है, माँ जी आप कौन हैं और रात के इस वक्त बारिश में क्यों भीग रही हैं? बेटा मेरा नाम टोनी चिड़िया है और ये मेरी बेटी टुनटुनी है। इस बारिश में हमारा घर टूट गया है और इस जंगल में किसी ने हमें अपने घर रात नहीं गुजारने दी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आपकी और फैमिली कहाँ है? हम अपने घर में सिर्फ दो ही चिड़िया रहती हैं। 15 साल पहले मेरे पति की वफात हो गई थी। मेरे खानदान में हम दो ही चिड़िया हैं, मैं और मेरी बेटी टुनटुनी। मुझे लगता है टुनटुनी को बुखार है, प्लीज़ आप जल्दी करें, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं और मेरे घर चलें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। बेटा भी कहती हो और एहसान की बात भी करती हो, आप मुझे शर्मसार ना करें, जल्दी करें गाड़ी में बैठें। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी टोनटुनी चिड़िया इस तरह अब्दुल के घर चले जाते हैं। अब्दुल टोनटुनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब्दुल अपने घर में अकेला रहता था, उसके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। सुबह होते ही अब्दुल टोनी चिड़िया से कहता है, माँ जी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतने बड़े घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, आपकी मेहरबानी होगी कि आप मेरे घर में रहें। बेटा अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। तो ठीक है बेटा, हम आपके साथ रह लेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब्दुल और टोनटुनी को आपस में प्रेम हो जाता है। आखिर एक दिन वो शादी कर लेते हैं। इस तरह टोनी चिड़िया को बेटे के रूप में एक अच्छा दामाद और टोनटुनी को एक अच्छा प्यार करने वाला पति मिल जाता है और इस तरह ये परिवार एक मुकम्मल परिवार बन जाता है और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन हंसी खुशी गुजारने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।